All the better. In this part 2 of my lecture on mitochondria, we are going to discuss the structure of oxysome. Okay. आपको पता होना चाहिए, अभी तक जो बात हो गई थी माइटोकांड्रिया की, हमने उसमें बोला था माइटोकांड्रिया जो है इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, इसके बाहर एक ऑर्गन मेम्ब्रेन होता है लाइक दिस, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन देयर इज अनदर मेम्ब्रेन इनसाइड, दैट मेम्ब्रेन is called as inner membrane, like this. Okay, this inner membrane has folds at several places, isko hum kehte hain ye hai inner membrane, aur is inner membrane ki bahut sari places par aap dekh sakte hain ye folds hai, these folds are called as crista. Okay, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज आउटर चैम्बर, ये बात भी हो गई थी पिछले लेक्चर में. और उसके बाद आप देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आप देखिए ये जो बहुत बड़ी स्पेस है, लार्ज स्पेस इज प्रेजेंट हियर, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर, आई एम राइटिंग हियर इनर चैम्बर. ओके, नाउ इन दिस इनर चैम्बर we see there is a gel like substance, a very thick fluid substance present inside. This gel like substance is called as matrix, this gel like substance is called as matrix. Okay, now this matrix is important because it contains, first of all, this matrix contain enzymes for Krebs cycle. This is very important point. You must know aerobic respiration जब होती है हमारी cells में, वो aerobic respiration जो है वो complete हो जाती है in 3 steps: glycolysis, Krebs cycle, और उसके बाद oxygen to phosphorylation, या जिसको हम कहते हैं electron transport chain. Okay. क्रेब्स साइकिल जो है उसके एंजाइम्स यहां पर पाए जाते हैं इस मैट्रिक्स में. तो हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल जो है हमारी सेल्स में, क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इनसाइड माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स हियर बिकॉज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. देयर इज वन एक्सेप्शन, वो आप याद रखेंगे, एक एंजाइम है उसका नाम है स्किनेट डिहाइड्रोजिनेज, स्किनेट डिहाइड्रोजिनेज. Okay, it is the only enzyme of Krebs cycle which is present in inner membrane. ये matrix में नहीं होता है, ये mitochondria के inner membrane में होता है, only enzyme. बाकी Krebs cycle में जो भी enzymes हैं, they are found in the matrix here. दूसरी बात regarding matrix में आप याद रखेंगे, ये जो matrix है it contains its own DNA. यहाँ पर माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में यहां पर अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है लाइक दिस, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, मैं यहां पर लिख रहा हूं इट इज इट्स ओन डीएनए. ओके, इसके अलावा देखा गया है मैट्रिक्स में होते हैं कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, माइटोकांड्रिया के पास अपना आरएनए मॉलिक्यूल भी है, और इसी तरह इस मैट्रिक्स में देखे गए हैं कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं. ओके, दैट मीन माइटोकांड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं. ओके, यू नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर एक्चुअली सेल ऑर्गेनल्स. ओके, माइटोकांड्रिया खुद भी एक ऑर्गेनल ही है, तो हम कह सकते हैं राइबोसोम जो यहां पर है, दिस राइबोसोम इज द ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल. ओके, और डीएनए के मुतालिक आप एक बात याद रखेंगे, जो डीएनए है, दिस डीएनए इज नेम एमटी डीएनए, एमटी मींस माइटोकांड्रियल डीएनए. ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम था नेशेट मार्गरेट, नेशेट मार्गरेट था साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको डिस्कवर किया. और इसमें आप एक और बात याद रखेंगे, जो माइटोकांड्रियल डीएनए है यूजुअली ये डबल स्ट्रैंडेड होता है,
डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और यूजुअली ये सर्कुलर ही होता है, इट्स अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और एक माइटोकांड्रिया में यूजुअली इस डीएनए के 2 to 6 कॉपीज देखे गए, देयर आर 2 to 6 कॉपीज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ सिंगल माइटोकांड्रियान। ओके, उसके बाद मैट्रिक्स में एक तो डीएनए अपना होता है, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स होते हैं इसमें क्रैबर साइकिल के। उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड, आप यहां पर देखिए डायग्राम में, यहां पर आई एम मेकिंग द डायग्राम अगेन, यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन लाइक दिस। ओके, एंड यू लुक एट दिस इनर मेम्ब्रेन नाउ, this is the inner membrane of the mitochondria, this is the crista like this, okay, this is another crista like this, this is another crista like this, this is another crista here like this, okay, this is the inner membrane, inner membrane ke andar yahan par hota hai, this is called matrix of the mitochondria, inner chamber mein hota hai, this matrix, aur is matrix mein aap dekh sakte hain, इस मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दिस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर मॉलिक्यूल, इस मैट्रिक्स में होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स, दिस आरएनए मॉलिक्यूल, इस मैट्रिक्स में होते हैं राइबोसोम्स लाइक दिस। ओके, और उसके बाद आप देखिए यहां पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन ब्लैक कलर, इस इनर मेम्ब्रेन की ये जो इनर सर्फेस है, इनर सर्फेस मीन्स दिस सर्फेस टूवर्ड्स मैट्रिक्स, ये जो सर्फेस है दिस इनर सर्फेस व्हेन वी लुक अंडर माइक्रोस्कोप, इस इनर सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं छोटे छोटे मशरूम शेप्ड मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, दीज मशरूम शेप्ड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टा आल्सो थ्रू द इनर मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड लाइक दिस, दीज मशरूम शेप्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। ओके, नाउ वी विल टर्न टू दीज ऑक्सीजोम्स। ओके, पहली बात आप इसमें याद रखेंगे, ये जो पार्टिकल यहां पर है जिसको हम कहते हैं, दिस कॉल्ड इज ऑक्सीजोम। ओके, ऑक्सीजोम का दूसरा नाम भी है, इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, ये जो ऑक्सीजोम है, दिस ऑक्सीजोम इज एक्चुअली एन एंजाइम मॉलिक्यूल, इज वेरी स्पेशल पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे, एक्चुअली ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, या हम कह सकते हैं ये जो ऑक्सीजोम है इट एक्ट्स एज एन एंजाइम, और इस एंजाइम का काम है इट कन्वर्ट्स एडीपी, एडीपी मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड प्लस फॉस्फेट। ओके, इट कंबाइन्स दीज टू एंड फॉर्म्स एटीपी मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ये वो एंजाइम है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को बनाता है फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। ओके, ये जो एटीपी है बाद में इस दिस एटीपी इज यूज्ड एज एनर्जी बाय द सेल। ओके, ऑक्सीजोम इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल, ओके, प्रेजेंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ऑक्सीजोम जो है, इसके बारे में आप एक बात याद रखेंगे, एक तो यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसके बारे में दूसरी बात भी आप याद रखेंगे, ये जो ऑक्सीजोम है इट इज आल्सो प्रेजेंट, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वहां पर ये ऑक्सीजोम जो है ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली होता है। और दूसरी बात इसमें आप याद रखेंगे, ये ऑक्सीजोम जो है इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स, इट इज नॉट ओनली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिमेंबर दीज टू पॉइंट्स। ओके, उसके बाद ऑक्सीजोम जो है, इट वॉज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था एफ मोरेन, फर्नांडिस मोरेन, पहली बार ऑक्सीजोम को डिस्कवर किया फर्नांडिस मोरेन ने, दैट इज वाई कभी कभार इन ऑक्सीजोम्स को हम कहते हैं देयर कॉल्ड एज मोरेन पार्टिकल्स, समटाइम्स देयर कॉल्ड एज मोरेन पार्टिकल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेम एफ मोरेन हु डिस्कवर्ड देम। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, उसका नाम था ई रैकर, इफ्रेम रैकर, इफ्रेम रैकर पहली बार इनको आइसोलेट करता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकालता है, एंड इफ्रेम रैकर आइसोलेट्स दीज ऑक्सीजोम्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हार्ट सेल,
from the mitochondria of heart cell. Okay, that is why कभी कभार इस ऑक्सीजोम को हम कभी कभार कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम इज समटाइम्स कॉल्ड एज रैकर पार्टिकल. कभी कभार इसको रैकर पार्टिकल भी कहा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज नेम ऑफ दिस एफ्रेम रैकर. ओके, तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक तो था एफ मोरेन और दूसरा एफ्रेम रैकर. मोरेन ने इसको डिस्कवर किया और रैकर ने इसको आइसोलेट किया है. ओके, नाउ वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ दिस ऑक्सीजोम. हम इसको माइटोकांड्रिया से बाहर निकालेंगे और इसके बाद हम देखेंगे हाउ इट लुक्स एक्चुअली, इसका स्ट्रक्चर क्या है. दैट इज अवर मेन पर्पज. ओके, विल टर्न द पेज, लुक एट दिस डायग्राम हियर. अगेन आई एम ड्राइंग हियर द डायग्राम. यू कंसिडर दिस इज माइटोकांड्रियल आउटर मेम्ब्रेन. ओके, and this is mitochondrial inner membrane like this. This is the crista, okay, folded at several places. Okay, this is the inner membrane. On the inner membrane are present these oxysomes like this. This is the oxysome here, mushroom shaped particle. Okay, ab is oxysome ko hum bahar nikalenge. We take this oxysome out like this. We'll see it. ये कैसा होता है अंडर माइक्रोस्कोप. जब हम इसको देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल को, इट हैज टू सब यूनिट्स. एक तो इसका होता है स्मॉल लाइक दिस, दिस सब यूनिट इज कॉल्ड एज बेस ऑफ द ऑक्सीजोम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ ओ सब यूनिट. ओके, फिर उसके बाद यहां पर होता है इसका एक और सब यूनिट ऑक्सीजोम का. दिस सब यूनिट इज कॉल्ड एज हेड और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज एफ वन. अब ये जो हेड और बेस है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय स्टॉक. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ द ऑक्सीजोम. दिस इज द स्ट्रक्चर of this oxysome. It consists of head, base, which are connected by a stalk. Head is called as F1 and base is called as F0. इनके बारे में एक और बात आप याद रखेंगे, ये जो base है, it is completely embedded in the membrane of the mitochondria. ये बिल्कुल mitochondrial membrane, inner membrane में बिल्कुल ये, it is present, it passes through the membrane, बिल्कुल membrane में, it is embedded in the membrane. दैट इज वाई हम कह सकते हैं जो बेस है या ये जो एफ नॉट है, इट इज एक्चुअली हाइड्रोफोबिक. यू कैन कॉल इट हाइड्रोफोबिक पार्ट. हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग. ओके, इट इज लिपिड सॉल्युबल पार्ट. इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल बिकॉज मेम्ब्रेन इज लिपिड इटसेल्फ. मेम्ब्रेन लिपिड इसका बना है, तो बेस अगर इसमें है तो बेस का लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होना बहुत जरूरी है. इसी तरह जो F1 है, जिसको हम हेड भी कहते हैं, ये पार्ट क्योंकि मैट्रिक्स की तरफ होता है, आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स. हाइड्रोफोबिक F1 हेड मैट्रिक्स की तरफ होता है. यूजुअली इसको देखा गया हेड जो है इट इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग. ओके, ये तो हो गई एक बात. उसके बाद ये जो F0 है, इस F0 को यहां पर एक साइड में एक छोटी सी एक टनल होती है, that acts as a proton tunnel. Okay, through that tunnel protons, yani ki H positive ions, move from outside into the matrix. This is the matrix. So H positive move from outside into the matrix through this channel. तो हम कह सकते हैं ये जो F0 है या जिसको हम base भी कहते हैं, this base acts as a proton tunnel. This base acts as a proton tunnel. The base is hydrophobic. The base is hydrophobic. And it also acts as a proton tunnel. Head जो है it is hydrophilic. Head is towards the matrix, से matrix की तरफ होता है. And ये head है, it is actually the catalytic site of oxysome. Catalytic site means it is the site of ATP formation. It is the site of ATP formation. यानी कि यहीं पर ATP बनता है on the head of this oxysome. ओके, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम फिर से इलाबोरेट करेंगे. लुक एट दिस ऑक्सीजोम स्ट्रक्चर, विल इलाबोरेट इट फर्दर. हम इसको यहां ले जाएंगे एंड विल मेक इट अगेन हियर. दिस इज द पार्ट
You can say this is the membrane. Ab pehle isko dekhiye, this is the membrane of mitochondria like this. ओके इस माइटोकांड्रिया में प्रेजेंट है बेस, जैसे दिस इज द बेस ऑफ ऑक्सीजोम. ओके दिस बेस, उसके बाद यहां पर देयर इज अ स्टाक, देयर इज अ स्टाक लाइक दिस. ओके एंड देन देयर इज द फाइनल पोर्शन दैट इज हेड. ओके अब ये जो हेड है इसका डायमीटर देखा जाए ऑलमोस्ट 8.3 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है. ये जो बेस है इट इज ऑलमोस्ट 11 नैनोमीटर लॉन्ग. ओके और ये जो स्टाक है इट इज ऑलमोस्ट 5 नैनोमीटर लॉन्ग. दिस आर द थ्री पार्ट्स, दिस एफ वन, दिस कॉल्ड एफ नो ओ एंड दिस कॉल्ड स्टाक. ओके दिस आर द डायमेंशन, रिमेंबर दिस 8.3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर एंड 11 नैनोमीटर. ओके उसके बाद फिर से इसको इलाबरेट करेंगे हम. विल टेक दिस डायग्राम हियर. एक्चुअली ये जो ऑक्सीजोम होता है दिस ऑक्सीजोम इज आल्सो कॉल्ड एज एफ वन एफ ओ पार्टिकल, हम कह सकते हैं इसको बिकॉज आफ्टर टू सब्यूनिट्स एफ वन एंड एफ ओ, सो वी कैन कॉल इट एफ वन एफ ओ पार्टिकल आल्सो. ओके इसके बहुत सारे नेम्स है. इट इज आल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेस बिकॉज ये एटीपी को बनाता है, तो एटीपी सिंथेस भी हम इसको कह सकते हैं. अब ये जो पार्टिकल है ऑक्सीजोम, इट इज एक्चुअली इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स. इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये जो पार्टिकल यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजोम जिसको आप कहते हो या जिसको आप एफ वन एफ जीरो पार्टिकल कहते हो, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन. इट इज अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारे प्रोटीन्स का बना है. तो हम कह सकते हैं मल्टीमरिक प्रोटीन एक्चुअली. फॉर एग्जांपल यू लुक हियर, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसमें जो एफ वन पार्ट जो इसमें है जिसको हम हेड भी कहते हैं एफ वन, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड इप्सिलॉन सब यूनिट्स. इसमें पांच किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं इस हेड में. ओके इट इज मेड अप अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड इप्सिलॉन सब यूनिट्स, और फिर इनका रेशियो भी डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अल्फा इसमें देर आर थ्री अल्फा सब यूनिट्स, देर आर थ्री बीटा सब यूनिट्स, गामा डेल्टा एंड इप्सिलॉन देर आर वन ईच. ओके दैट मीन्स एफ वन काइंड ऑफ दीज प्रोटीन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड इप्सिलॉन. सिंपली आप देखिए यहां पर ये जो बेस है एफ नॉट जिसको हम कहते हैं एफ नॉट बेस, दिस एफ नॉट या एफ ओ बी एम को कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ A sub unit, it is made of B but B are two in number, it is made of, before we can write down A, B, 2 and it is made of C sub unit but C sub unit is their number varies from 10 to 15. It's a complex molecule, this oxysome is a very complex structure. Okay, hum yahan par koshish karenge ab इन सब यूनिट्स को दिखाने की, अब इसमें जो ये सब यूनिट्स हैं ये कैसे यहां पर अरेंज होते हैं एंड हाउ दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली फॉर्मड, हम वो यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे. यू लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू मेक द सेल मेम्ब्रेन. आप देखिए यहां पर दिस इज द सेल मेम्ब्रेन लाइक दिस. ओके दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. यू नो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, नो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, दिस आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट थ्रू दिस मेम्ब्रेन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट टू लेयर्स, इज अ बाइलेयर एक्चुअली लाइक दिस. फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज अ बाइलेयर. ओके और यहां से भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस, और यहां से भी लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे
ये लिपिड मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स में होते हैं, विद टेल्स इनसाइड एंड हेड आउटसाइड। ओके, सेल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ यू नो ऑल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर, वेदर इट इज सेल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ एनी ऑर्गेनेल, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे आर मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इट्स अ बाइलेयर। सो आई एम राइटिंग हियर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब इस इनर मेम्ब्रेन में यहां पर होता है ऑक्सीजोम, इस एरिया में ऑक्सीजोम प्रेजेंट है। और एक और बात इसमें आप याद रखेंगे, इनर मेम इस साइड को आप देख लीजिए, दिस साइड इज द मैट्रिक्स साइड टुवर्ड्स इन साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये वाला जो साइड है दिस साइड इज आउटसाइड, या वी कैन से इट इज द आउटर चैम्बर, आप कह सकते हैं आउटर चैम्बर, बिकॉज अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देखेंगे, यू सी एट दिस डायग्राम, अगर ये ऑक्सीजोम है तो मैट्रिक्स यहां से है, और ये वाला जो इसका अपोजिट साइड है दैट इज द आउटर चैम्बर, दिस वन, वही मैंने यहां पर लिखा, इसको कंसिडर कीजिए मैट्रिक्स साइड है, और इसको आप देखिए ये आउटर चैम्बर है, इस एरिया में मेम्ब्रेन के इस एरिया में ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजोम जो है ऑक्सीजोम का पहला पार्ट यहां पर होता है दैट इज बेस, एंड यू नो दैट इज एफ ओ एक्चुअली, जिसको हम बेस भी कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द बेस और एफ ओ। ओके, ये जो यहां पर बेस है इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दिस बेस इज लाइक दिस। ओके, ये बेस जो है ये बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, लाइक दिस, इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, दिस इज द एफ नॉट पार्ट। ओके, दिस एफ नॉट इज मेड अप ऑफ सेवरल सब यूनिट्स, वो मैंने ऊपर लिखा है, आप देखिए यहां पर, दिस एफ नॉट इज मेड अप ऑफ सी सब यूनिट, दिस आर द सी सब यूनिट्स 10 to 15 इन नंबर। ओके, लाइक दिस, दिस सब यूनिट्स आर अरेन्ज्ड इन अ रिंग मैनर, दे फॉर्म अ सर्क्यूलर रिंग ऑफ सी सब यूनिट्स, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज सी रिंग, वी कैन कॉल इट सी रिंग, इट इज मेड अप ऑफ सी सब यूनिट्स, हाउ मेनी 10 to 15। उसके बाद लेफ्ट साइड से यहां पर एक और सब यूनिट होता है, दैट सब यूनिट इज कॉल्ड एज, that subunit is called as a subunit, that is like this, that a subunit is like this। okay, ye a subunit